फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फूड कुचोर में। मैं हूं चेतना पटेल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं इजी एंड क्विक रेसिपी, मस्काबन की रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। आज हम तीन फ्लेवर के मस्काबन बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे चॉकलेट नटेला मस्काबन, इसके बाद हम बनाएंगे बटर जाम मस्काबन और लास्ट में हम बनाएंगे चीज पाइनएप्पल मस्काबन। सबसे पहले हम मस्काबन को कट कर लेते हैं। और ये जो मस्काबन रहता है वो इजीली मार्केट में मिल जाता है और ये जस्ट थोड़े से स्वीट रहते हैं पर बहुत ही टेस्टी रहते हैं, तो इसे मैं कट कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी होता है और इसमें कस्टर्ड का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बटर लगा देते हैं और यहाँ पे बटर अच्छे से लगाना है, तो दोनों स्लाइस के ऊपर हम बटर लगा देंगे। बटर आपको रूम टेम्परेचर वाला ही लेना है, तभी जाके ये अच्छे से स्प्रेड होगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो फ्रिज में रखा हुआ बटर नहीं लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने बटर अच्छे से लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम रख देते हैं चॉकलेट स्प्रेड जो इजीली मार्केट में मिल जाता है। चॉकलेट सॉस नहीं लगाना है, चॉकलेट स्प्रेड लगाना है और इसका एक लेयर कर देंगे और दूसरी स्लाइस के ऊपर नटेला लगा देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, दोनों में से कोई भी एक भी ले सकते हैं, पर चॉकलेट नटेला का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। और इसके ऊपर हम रख देंगे चीज़ जो मस्काबन को और टेस्टी बना देगा। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको डालना हो तो डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो भी बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, चॉकलेट स्प्रेड और चीज़ का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, आप नटेला और चीज़ का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, इवन दोनों साथ में लगे तो भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है, ये आपके ऊपर है। दूसरी स्लाइस से हम कवर कर लेते हैं। अब इसे कट कर लेते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना टेम्प्टिंग दिख रहा है। अब हम बना लेते हैं चीज पाइनएप्पल जाम मस्काबन और दोनों स्लाइस के ऊपर अच्छे से बटर लगा देते हैं। तो मैंने बटर अच्छे से लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पाइनएप्पल जैम लगा देते हैं। मस्काबन चीज़ और पाइनएप्पल का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, तो यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल जाम अच्छे से लगा दिया है। इसके ऊपर चीज़ ग्रेट कर लेते हैं। बिना चीज़ भी बहुत ही अच्छा लगता है, आप चाहे तो इसके ऊपर टीन वाला जो पाइनएप्पल आता है इसके पीसेस भी रख सकते हैं, इसी से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। चीज़ का प्रोपोर्शन आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और दूसरी स्लाइस से कवर कर लेते हैं, इसे भी हम कट कर लेते हैं। अब हम बना लेते हैं सिंपल बटर जाम मस्काबन जो सबका फेवरेट रहता है, इसे भी हम बीच में कट कर लेते हैं। बटर भी लगा देते हैं। अब हम इसके ऊपर मिक्स फ्रूट जैम लगा देते हैं। आप चाहे तो स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, मैंगो कोई भी फ्लेवर का जैम ले सकते हैं। इसे हम पैक कर देते हैं, इसे कट कर लेते हैं। तो इसे चार टुकड़ों में कट करना है और इसके ऊपर भी बटर लगाया जाता है और सिंपल वाला मस्काबन इसी तरह से सर्व किया जाता है। सबका फेवरेट मस्काबन हमारा रेडी है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमें आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा और एक रेसिपी के साथ हम वापस आएंगे। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।